फर्रुखाबाद के संकिसा में बुद्ध महोत्सव पर बौद्ध अनुयायियों ने धम्म यात्रा धूमधाम से निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायियों ने भाग लिया। इस दौरान महात्मा गौतम बुद्ध के जयकारे लगाए गए और झांकी भी निकाली गई। बुद्ध को लोक शास्ता, लोक गुरु और लोक अनुकंपक कहते हैं। इस संसार पे लोक पे अनुकंपा करने वाले होते और लोक पे अनुकंपा करने का मतलब होता है वही कर सकता है जाति धर्म वर्ण से मुक्त होता है। तो बुद्ध सबसे मुक्त है, सबसे परे हैं, सभी के हैं। इस संसार में चींटी से लेकर डायनासोर तक के, और हम भी एक जानवर ही हैं इस पृथ्वी के, अलग थोड़ी हैं, प्राणी हैं जैसे अन्य प्राणी हैं, तो सबके बुद्ध हैं। तो खैर, हम कभी बिहार में बैठ के धर्म चर्चा सुनेंगे, करेंगे, करना चाहिए। जहां आपको बिहार मिले, जहां भिक्षू मिले, वहां धर्म चर्चा सुन के जरूर जाएं, क्योंकि यहां से कुछ लेके जाओ। लेके क्या जाओगे? एक संकल्प लेके जाओ। बुद्ध की धरती पे आज आए, विशेष दिन आए, तो आज एक संकल्प लेके जाऊंगा। कम से कम कुछ भी संकल्प नहीं ले सकते हो तो 5 सीलों का संकल्प जरूर लेके जाओ कि मैं इसको पालन जरूर करूंगा। मेला एक अलग बात, हम मेला देखने नहीं आते हैं, यहाँ स्मरण रखना हमेशा, मेला देखने नहीं आते, हम पवित्र भूमि पे आते हैं। मेला में सामान खरीद ले जाओ, अवशेष छोड़े थे, चिर स्मृति है, जिस जगह भी है, चाहे वो कहिए कोई भी जगह रही हो, बोधगया की हो, सारनाथ की हो, संकिसा की हो, कुशीनगर की हो, कौशाम्बी की हो, या जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, सभी जगह आज हम लोग पूजा वंदना करते हैं और बुद्ध को याद करते हैं। आपने इस लोक में जाकर के माता जी को उपदेश दिया, माता जी का कर्ज उतारा उन्होंने, और माता जी का कर्ज उतार करके यही इसी धरती पर जो बुद्ध ने अपनी माता जी को चित्त चेतक रूप और निबंध अवधम का उपदेश दिया था, ये अवधम स्थल ही है, ये टोटल भगवान बुद्ध की अवधम स्थली है संकिसा। दूसरी जगह कोई अवधम स्थली नहीं है, अवधम स्थली के नाम से सिर्फ और सिर्फ संकिसा को जाना जाता है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने पवारना नहीं, महापवारना किया था। बुद्ध प्रमुख और भी भिक्षु संघ था, यहाँ 500 अर्थ भिक्षु भी थे, उनके साथ उन्होंने महापवारना को किया था आज के दिन। इसलिए मेरी बहुत पवित्र जगह, ये इतनी पवित्र जगह है, इतनी पवित्र जगह है कि हम लोग एलादित हैं, एलादित होकर के उसी तो जो हमारा भिक्षु संघ बैठा हुआ है, उन्होंने उसी का कई उपदेश किया, उसी का